ये दलाई लामा की मॉनेस्ट्री अभी बंद है, इजाजत नहीं है जाने की। ये ऊपर से पूरा दिखता है, वो पूरी मॉनेस्ट्री है। यहाँ रहते हैं दलाई लामा। I guess no one's to blame, nobody crossed the line. I guess we couldn't see, somehow we couldn't feel. Maybe we rose too fast, maybe we got too high. But दूर दिखाई दे रहे हैं तो ये है वाटरफॉल। ये रहा वाटरफॉल। अब यहाँ जाने का है, लेकिन बारिश शुरू है, बार बार बारिश आती रहती है और वहाँ ट्रैकिंग करके जाना पड़ता है। तो ये बारिश ने अभी परेशान कर दिया है, क्योंकि बार बार बारिश शुरू होती है और कहीं और जगह है लेकिन जा नहीं पाते अभी। तो ये कुछ है नज़ारा। तो देखते हैं, अगर जाया जाए तो चलते हैं वाटरफॉल तक, नहीं तो फिर मैं वापस आ जाऊंगा अगर बारिश ज़्यादा रहेगी तो, क्योंकि मेरे पास रेनशूट वगैरह कुछ है नहीं। चलो देखते हैं। A few moments later. और ये देखो वाटरफॉल का पानी कहाँ कहाँ से आता है। ये रहा वाटरफॉल का पानी। ये ऐसे ऊपर से यहाँ से पूरा पानी आता है। तो यहाँ से जाया जाता है वाटरफॉल की तरफ। चलो चलते हम लोग। ये वाटरफॉल का पानी। यह आता है, यह बनाया है स्विमिंग पूल वाटरफॉल के पानी से ही। और आगे ऊपर मंदिर है। यहाँ से जाता है पूरा पानी। चलो चलते हम आगे। तो ये रास्ता जाता है यहाँ से पूरा, ये रास्ता है, ये पूरा ये ऊपर तक यहाँ, और ये वाटरफॉल है। तो मैं अभी वहाँ तक तो नहीं जा रहा हूँ क्योंकि बारिश चालू है, छींटे छींटे पड़ रहे हैं, कभी भी बारिश आ सकती है जोर से। और
अभी तो वहाँ जाके नहाना तो है नहीं ठंडी में। हाँ वहाँ पिक्चर खींच सकते हैं। ये रहा वाटरफॉल और यहाँ से ये फोकस हो रहा है, यहाँ से ये रास्ते से होके ये ऊपर यहाँ तक जा सकते हैं और यहाँ से ये पिक्चर खींचने के लिए अच्छा है, तो वहाँ पिक्चर खींच सकते हैं। बहुत हिल रहा है, जूम किया है तो। तो अभी ये सीजन में जाना नहीं है, लोग वहाँ जाते हैं, ये रास्ता आता है वहाँ से। और एडवेंचर लवर के लिए यह है जिप लाइन, यहाँ से उस पहाड़ी पर। तो लोग जिप लाइन के लिए भी यहाँ आते, दो पहाड़ियों के बीच में है। तो इस तरफ पूरी पहाड़ी है, ये देख लो, और ये वैली पूरी दिखती है जो ऊपर से। लेकिन जैसा कि मैंने बताया मेरे पास रेन शूट है नहीं, तो मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ क्योंकि बारिश चालू चालू है, अभी बंद हुई है, अभी बादल तो है ही, वापस शुरू हो जाएगी। तो चलो यहाँ से चलते हैं वापस, और यहाँ से अभी जाते हैं डल लेक। जैसे कि कश्मीर में डल लेक है, वैसे यहाँ भी डल लेक है, लेकिन अभी बारिश है तो देखते हैं कैसे पहुँचते हैं, अगर पहुँचा जाता है तो ठीक है। तो चलो यहाँ से निकलते हैं अभी। Beyond our separate ways as we fade into gray. But I still miss the way you used to feel. तो ये है मेरे पीछे डल लेक। हाँ हेलमेट की वजह से बाल बिखर गए। तो ये है मेरे पीछे डल लेक, इसे कहते हैं डल लेक। उल्टा दिखाई देता है, यह है डल लेक। यह है कुछ नजारा, अभी अभी बारिश बंद हुई है, बहुत सारी बारिश हुई, थोड़ा खुला निकला है। जबाना तक रही है। तो ये नज़ारा है कुछ, वहाँ सामने बैठने के लिए भी है बेंचेस वगैरह, और यहाँ इस तरफ भी कुछ है बेंचेस वगैरह, और यहाँ ये जो है वहाँ बेंचेस वगैरह है बैठने के लिए। अभी एक बोट पानी में डूब गई है, ये रही, तो शायद बोटिंग भी होती होगी लेकिन अभी नहीं है। यहाँ पार्किंग है, ये नज़ारा है डल लेक का। ये रोड जाती है मैक्लोडगंज नीचे, ये भी मैक्लोडगंज ही है लेकिन ये ऊपर की साइड है डल लेक की साइड। तो ये लेक है,
ये सब पाइन के ट्रीज हैं, बढ़िया दिखते हैं ऊपर पहाड़ी पर। वाह क्या अच्छे अच्छे पेड़ हैं। अच्छा नजारा है। ये एक और पहाड़ के नजारे, बादलों से गिरे हुए माउंटेन की चोटियां, और ये नीचे वादिया, और सामने यहां कुछ घर भी नजर आते। मच 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 लेटर। ये है कुछ नज़ारे, लेकिन लाइट नहीं है, बादल है तो उसकी वजह से कुछ दिख नहीं रहा है। ये पहाड़ियों में सब घर, मच 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 लेटर। ये कुछ सीन है, ये कौन सी जगह है क्या है पता नहीं। मैं अलग अलग जगह पे गया हूँ जहाँ लोग नहीं जाते, जो टूरिस्ट प्लेस नहीं है, ऐसे सब जगह पे मैं गया हूँ कि जहाँ से कुछ अच्छे नज़ारे देख सकूँ। ये रास्ता यहाँ से जाता है पूरा नीचे से, वो कहीं रिमोट एरिया में जाता होगा या फिर तो सामने, नहीं सामने तो अभी हम जाके आए, यहाँ तो अभी जाके आए, तो कहीं रिमोट एरिया में जाता होगा रास्ता। और नीचे सब घर वगैरह दिखाई दे रहे होंगे ये घाटी में, अभी ज्यादा जूम नहीं हो रहा है ये जगह पे। ये है धर्मशाला, यानी कि धर्मशाला से मैं काफी ऊपर आ गया हूँ। ये है सनसेट व्यू, ये है सनसेट व्यू, लेकिन अभी बादल बहुत है। बादलों की वजह से कुछ दिखाई नहीं देगा। या उस तरफ सनसेट होता है। We gotta believe it is not too late.
मच 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 लेटर। यह है मार्केट मैकलोडगंज। सब्जी फलों की दुकान। ये चौक मैकलोडगंज का बाजार का जो चौक मेन चौक है इसको मेन चौक बोलते हैं। वैसे दिन में देखने को मजा आएगा। यहाँ से अंदर की तरफ भी पूरा बाजार है। चारों तरफ ऐसी गलियां हैं, सब मार्केट है सभी गलियों में। और ये मोमोज मिलता है यहाँ। फ्रेंड्स अभी मैं होटल पर आ गया हूँ। कल अब हम डलहौजी के लिए निकलेंगे और सुबह देखते हैं आगे डलहौजी में क्या क्या देखने जैसा है। आज घूमना तो काफी था लेकिन ये बारिश की वजह से सब चौपट हो गया और बारिश धुंध और बारिश दोनों ने वो कर दिया। अभी ठंड बहुत है तो ठंड की वजह से मैं एफटीआर नहीं चला सकता था और मैंने जैकेट राइडिंग जैकेट भी नहीं पहना था, वैसे ही निकल गया था क्योंकि सुबह जब मैं निकला तब धूप थी तो ठंड नहीं लग रही थी, लेकिन बारिश के बाद जब धुंध आ गई तो बहुत ठंड लगने लगी तो ठंड की वजह से एक्टिवा नहीं चला पा रहा था। तो बहुत सारी जगह अभी घूमना था लेकिन टाइम भी बचा था लेकिन ये धुंध और बारिश की वजह से सब बंद हो गया। तो आज का जो प्रोग्राम है इतना ही रखते हैं। कल अब निकलेंगे हम डलहौजी के लिए बस से और कुछ जानकारी भी देनी थी जो कल नए एपिसोड में अगले एपिसोड में दूंगा मैं आपको। तो आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।